अल्लाह की राह में उसमें से जो तुम महबूब रखते हो। वमा तुन्फिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, और जो भी खर्च करते हो तुम कोई चीज़ तो बेशक अल्लाह उससे बाखबर है। इससे पता चला कि अल्लाह के रास्ते में अपनी महबूब चीज़ खर्च करनी चाहिए ताकि इंसान को अलबिर यानी जो है वो जन्नत में वो जा सके। कुल्लु ताम काना हिल्लल बनी इसराइल इल्ला मा हर्रम इसराइल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौरात। हर किस्म का खाना हलाल था बनी इसराइल के लिए, मगर वो जो हराम कर लिया था जनाब इसराइल ने यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने ख़ुद अपने ऊपर कबल इसके के नाजल की गई तौरात, उससे पहले आपने बतौर नज़र व मन्नत के कुछ खानों को अपने ऊपर हराम कर लिया था। कुल फातु बित्तौरात फतलूहा इन कुंतुम सादिकीन, कहो के लाओ तुम तौरात और उसे पढ़ो अगर हो तुम सच्चे। फमन इफ्तरा अलल्लाहिल कज़्ब मिन बादि ज़ालिका फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फिर जो कोई गड़े अल्लाह की तरफ झूठी बात इसके बाद भी तो वही लोग ज़ालिम हैं। कुल सदकल्लाह, कह दो सच फरमाया अल्लाह ने। तत्तबियू मिल्लत इब्राहीम हनीफा, बस पैरवी करो दीन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सबसे कटकर अल्लाह से जुड़ गया था। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और नहीं थे वो मुशरिकों में से। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का, बेशक पहला घर जो बनाया गया यानी इबादतगाह लोगों के लिए यकीनन वही है जो मक्का में है। बिबक्का ये भी एक लुगत है, जो मक्का में है। मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, बरकत वाला और मरकज़ हिदायत तमाम जहान वालों के लिए। काबतुल्ला में मस्जिद हराम जो मक्का मुकर्रमा में है उसमें बरकतें ही बरकतें हैं और ये हिदायत का मरकज़ है सारी दुनिया वालों के लिए। फ़ी है आयातुन बय्यिनातुन मकाम इब्राहीम, उसमें ऐसी निशानियाँ हैं जो बिल्कुल वाज़े हैं। मकाम इब्राहीम है कि जिसके पे खड़े हो के जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, और वहाँ इतनी बरकत है कि इंसान एक नमाज पढ़े तो 1,00,000 नमाजों के बराबर उसे सवाब मिलता है। वमन दाखलहू काना आमिना, और ये बात कि जो दाखिल हो गया उसमें तो मिल गया उसे अमन, वहाँ अमन ही अमन है, सुकून ही सुकून है। वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, और अल्लाह का हक है लोगों पर कि हज करे उसके घर का हर वो शख्स जो इस्तेआत रखता हो उस तक पहुँचने की। तो हर ऐसा शख्स जो मक्का मुकर्रमा तक पहुँचने की इस्तेआत रखता है, उसके पास इतने वसाइल हैं, तो ज़िंदगी में एक मरतबा हर मुसलमान पर जिसके पास वसाइल हैं अल्लाह के घर का हज करना ये फ़र्ज़ है। और हज जो है ये अरकान इस्लाम में से है, और जिस बंदे के पास वसाइल हैं सारी दुनिया के चक्कर लगा आता है और नहीं गया है मक्का मुकर्रमा नहीं गया है, और उसने हज जो रुकन इस्लाम है उसको अहमियत ही कोई नहीं दी है, तो फरमाया हुआ मन का फ़राफ इन अल्लाह वलीयुन अनिल आलमीन, और जिसने इनकार किया तो बेशक अल्लाह बेनियाज है सब जहान वालों से। इसलिए अगर किसी के पास ज़ादेरा है वसाइल हैं तो उसे हज बैतुल्लाह में की अदायगी में जल्दी करनी चाहिए।
قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, कहो अहल किताब क्यों तुम इनकार करते हो अल्लाह की आयात का. अल्लाह शहीदुन अला मा तअमलून, और अल्लाह ताला देख रहा है उन कामों को जो तुम करते हो. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, कहो अहल किताब आखिर क्यों तुम रोकते हो अल्लाह के रास्ते. मन आमन तबगूनहा इवजा, हर उस शख्स को जो ईमान लाता है चाहते हो तुम के चले वो राह टेढ़ी. अन तुम शोहदा, हालांकि तुम खुद गवाह हो कि यही सीधी राह है. वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, और नहीं अल्लाह गाफिल उन कामों से जो तुम करते हो. या अय्युहल लज़ीन आमनू इन तुतियु फरीकन मिनल लज़ीन उतुल किताब यरुद्दूकुम बाद ईमानिकुम काफिरीन, ए लोगो जो ईमान लाए हो अगर तुम मानोगे कहा बाज़ लोगों का उनमें से जिन्हें दी गई है किताब, वो फेर देंगे तुमको तुम्हारे दीन से और हो जाओगे तुम बात ईमान लाने के फिर काफर. तो अहले जो ईमान हैं उन्हें कुरान व हदीस की इत्तबा करनी चाहिए, कुरान की तलावत करें और उसको समझें. हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का जो मजमू है सिहाय सित्ता, उसका मुताला करें, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाएं. कुफार की यहूद नसारा की पूरी कोशिश है कि फिर वो मुसलमानों को दोबारा काफिर बना दें. फरमाया वकई तकफ़रून वअंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि वफीकुम रसूलुह, कैसे तुम कुफर कर सकते हो जबकि तुम वो हो के पढ़कर सुनाई जाती हैं तुम्हें अल्लाह की आयात और तुम्हारे दरमियान मौजूद है अल्लाह का रसूल. जब ये आयात नाजिल हो रही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, अब आपके इरशादात मौजूद हैं, उनकी तलावत उनको पढ़ा जाए, अल्लाह के आयात की तलावत की जाए. वमन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिया इला सिरातिम मुस्तकीम, और जिसने थाम लिया मजबूती से अल्लाह का दामन तो ज़रूर हिदायत पा गया वो सीधे रास्ते की. या अय्युहल लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए ईमान वालों डरो अल्लाह से जैसा कि हक है उससे डरने का, और हरगिज़ ना मौत आए तुमको मगर इस हाल में कि तुम मुस्लिम हो. तो पहली बात ये बयान की गई अहले ईमान को बराए रास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है. अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने का हक क्या है कि उसकी हमेशा अतात की जाए, उसकी नाफरमानी ना की जाए, उसको हमेशा याद रखा जाए, उसको बुलाया ना जाए, उसका शुक्र किया जाए, उसकी नाशुक्री ना की जाए, और ये काम सारी ज़िंदगी किए जाएँ. मौत को कोई भी नहीं जानता कि किस लम्हे वो आ जाएगी, इसलिए हमेशा जो है ये अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, फरमाबरदारी की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ताकि जब भी इंसान को मौत आए तो अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहा हो. वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मज़बूती से थाम लो तुम अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर, यानी कुरान मजीद को, अल्लाह की रस्सी कुरान मजीद, इसको इज्तमाइयत के साथ थाम लो. वला तफर्रकू, और फ़िरकाबंदी न करो. वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो एहसान अल्लाह का जो उसने तुम पर किया. इज़ कुंतुम आदान, के थे तुम आपस में दुश्मन. फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, फिर उल्फत पैदा कर दी उसने तुम्हारे दिलों में. फ़अस्बख़्तुम बिनिअमतिही इख़्वाना, फिर हो गए तुम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से भाई भाई. वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़्रति मिनन नार फ़अनकज़कुम मिन्हा, और थे तुम खड़े किनारे पर आग से भरे गढ़े के, आग से भरे गढ़े के किनारे पर तुम थे. फ़अनकज़कुम मिन्हा, फस बचा लिया अल्लाह ने तुमको उसमें से, वरना मौत आती तुमने उसमें गिर जाना था. अल्लाह ने अपना पैगंबर भेज के किताब नाजल करके तुम्हें उसमें गिरने से बचा लिया. कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून,
इस तरह खोल खोल कर बयान करते अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयात ताकि तुम रहनुमाई हासिल करो। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, और चाहिए कि रहे तुम में हमेशा एक जमात ऐसे लोगों की जो दावत देते रहे नेकी की तरफ, वयामुरून बिलमारूफ, और हुक्म दें अच्छे कामों का, वयनहौना अनिल मुनकर, और वो मना करें बुरे कामों से, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग हैं दर हकीकत फलाह पाने वाले कि जो खैर की दावत देते हैं, अच्छे कामों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं और ख़ुद भी रुकते हैं। वला तकूनु कल्लज़ीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बादी मा जाअहुमुल बय्यिनात, और ना हो जाना तुम उन लोगों की तरह जो फ़िरकों में बट गए और इख्तलाफ में मुब्तला हो गए इसके बाद भी कि आ चुके थे उनके पास वाज़ह अहकाम, वउलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और यही वो लोग हैं जिनके लिए अज़ाब है बहुत बड़ा। यौम तबयज़ वजूह व तस्वद्द वजूह, उस दिन जब रोशन होंगे कुछ चेहरे और स्याह होंगे कुछ चेहरे, फ़अम्मल्लज़ीन अस्वद्दत वजूहुहुम, सो वो लोग के स्याह होंगे उनके चेहरे, उनसे कहा जाएगा अकफर तुम वादा ईमानकुम, अच्छा तुम हो जिन्होंने कुफर किया था ईमान लाने के बाद, जिसकी वजह से आज तुम्हारे चेहरे काले स्याह हैं, फ़ज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, सो चखो अब मज़ा अज़ाब का बदले में उस कुफर के जो तुम करते रहे। वअम्मल्लज़ी नबयज़्ज़त वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह, और रहे वो लोग के रोशन होंगे चेहरे उनके, सो होंगे वो अल्लाह की रहमत में, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब के चेहरों को भी उस दिन रोशन कर दे कि जो अल्लाह की रहमत में होंगे। तिलका आयातुल्लाह नतलूहा अलैका बिलहक, ये आयात हैं अल्लाह की जो पढ़कर सुना रहे हैं हम आपको ठीक ठीक। वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह नहीं चाहता कि जुल्म करे जहान वालों पर। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं सब मामलात। कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम हो ए मुसलमानों बेहतरीन उम्मत, उख्रजत लिन्नास, इसे पैदा किया गया है इंसानों की रहनुमाई के लिए। तामुरून बिल मारूफ, तुम हुक्म देते हो अच्छे कामों का, वतन होना निल मुनकर, और मना करते हो बुरे कामों से। वतुमिनून बिल्लाह, और ईमान रखते हो अल्लाह पर, इसलिए तुम बेहतरीन उम्मत हो, ये सारे काम करते हो। सारी दुनिया के इंसानों की रहनुमाई के लिए तुम्हें पैदा किया गया है। वलो आमन अहलुल किताब लका न खैरल लहुम, और अगर ईमान ले आते अहले किताब भी कुरान पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो होता ही बहुत बेहतर उनके लिए। मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरहुमुल फासिकून, उनमें से कुछ हैं जो मोमन हैं और ज़्यादा उनमें से फासिक हैं। लन यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़ा, हरगिज़ नहीं नुकसान पहुंचा सकेंगे ये तुम्हें कुछ भी सवाए सताने के। वही युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबार, और अगर जंग करेंगे तुमसे तो फेर जाएंगे पीठ। सुम्मा ला युनसरून, फिर उनको मदद भी नहीं मिलेगी। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लह, पड़ गई मार इन पर ज़िल्लत की। ऐ नमासुकिफू, जहाँ भी ये पाए जाएंगे। इल्ला बिहब्लि मिनल्लाह, इल्ला ये के पनाह में आ जाएँ अल्लाह की। वहब्लि मिनन्नास, या पनाह में आ जाएँ इंसानों में से किसी की। वबाउ बिग़ज़बि मिनल्लाह, और गिर गए वो ग़ज़ब में अल्लाह के। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और पड़ गई मार इन पर मुहताजी की। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह,
یہ ذلت، یہ مسکنت، یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو نا حق. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اس کا سبب یہ تھا کہ وہ نافرمان تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. لَيْسُوا سَوَاءَ، نہیں ہیں سب اہل کتاب ایک جیسے، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ بہت اچھے بھی ہیں. من اہل الکتاب امت قائمۃ یتلون آیات اللہ، اہل کتاب میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو قائم ہیں راہ راست پر، تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات کی. آناء اللیل وہم یسجدون، رات کی گھڑیوں میں اور وہ سر بسجود رہتے ہیں. یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. ویأمرون بالمعروف، اور حکم دیتے ہیں نیک کاموں کا. وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں برے کاموں سے. ویسارعون فی الخیرات، اور وہ جلدی کرتے ہیں بھلائی کے کاموں میں. وأولئک من الصالحین، اور یہ نیک لوگوں میں سے ہیں. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، اور جو بھی کریں گے یہ کوئی نیکی تو ہرگز نہیں کی جائے گی، نہ قدری اس کی، بلکہ وہ قابل قدر ہے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس سے ڈرتے ہیں. ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہرگز نہ بچا سکیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کی گرفت سے ذرا بھی. تو یہ مال اور اولاد یہ کام نہیں آئیں گے، اصل جو ہے یہ عقیدہ اور اعمال صالح کام آئیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ دوزخی ہیں یہ کفر کرنے والے. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، مثال اس کی جو خرچ کرتے ہیں یہ لوگ اس دنیاوی زندگی میں. كمثل ريح فيها سر، اس ہوا کسی ہے جس میں وہ سخت سردی. اصابت ہر قوم ظلموا انفسهم فاهلكت، جو چلے کھیتی پر ایسے لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا وہ اپنی جانوں پر، اور برباد کرتے وہ اس کھیتی کو. زوردار ہوا آئی جس میں سخت سردی تھی اور اس نے اس ساری کی ساری کھیتی کو تباہ و برباد کر دیا. ایسے یہ جو کفار ہیں، انہوں نے جو اچھے عمل کیے، ایمان نہیں تھا، اس لیے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وما ظلمهم الله، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے. ولكن انفسهم يظلمون، بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، بہت اہم حکم دیا گیا ہے اہل ایمان کو. اے ایمان والو، نہ تم بناؤ رازدار کسی کو اپنوں کے سوا، مسلمانوں کے سوا، کفار کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو اپنا رازدان نہ بناؤ. لا یعلونکم خبالا، نہیں وہ اٹھا رکھیں گے کوئی کسر تمہیں نقصان پہنچانے میں، کوئی کمی نہیں کریں گے، ان کی پوری کوشش ہوگی تمہیں نقصان پہنچائے. ودو ما نتم، محبوب رکھتے ہیں وہ ہر اس بات کو جو مصیبت میں مبتلا کرے تمہیں. قد بدت البغضاء من افواههم، تحقیق ظاہر ہے بغض ان کے منہوں سے. وما تخفی صدورهم اکبر، اور جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں ان کے سینے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے. قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، بے شک کھول کھول کر بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان کو اپنا رازدان نہیں بناؤ گے. ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، یہ تم ہو ایسے لوگ کہ دوست رکھتے ہو ان کو جبکہ نہیں وہ پسند کرتے تمہیں، تم ان سے محبت کرتے ہو تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر، لیکن ان کی حالت یہ ہے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا،
जब मिलते हैं तुमसे तो कहते हैं हम ईमान लाए। वाइज़ा खलो अज़ू अलैकुम अनामिला मिनल गैस, और जब खलवत में मिलते हैं आपस में तो चबाने लगते हैं तुम पर अपनी उंगलियां मारे गुस्से के, काटते हैं तुम पर उंगलियां गुस्से के साथ। कुल मूतू बिगैज़िकुम, कह दो मर जाओ अपने गुस्से से। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह खूब जानता है उसको जो सीनों में है। इन तमसस्कुम हसनतुम तसुहुम, अगर छू भी जाती है तुमको कोई भलाई तो बुरा लगता है उन्हें। वइन तुसिबकुम सैयतुन यफ़रहु बिहा, और अगर पहुँचती है तुमको कोई तकलीफ़ तो वो खुश होते हैं उस पर। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर किसी को कामयाबी मिले, उसको कोई खुशी मिले तो उसको मुबारकबाद दी जाए। कोई उसको तकलीफ़ पहुँची है, कोई उसका प्यारा दुनिया से चला गया है, कोई नुकसान हो गया, उसे आज़ार हमदर्दी किया जाए, उसके साथ ताज़ियत की जाए, लेकिन ये खुशी मनाते हैं। वइन तस्बिरु वतत्तकू, और अगर तुम सब्र से काम लो और तक्वा अख्तियार करो, दो उसूल सब्र और तक्वा, ला यज़ुर्रुकुम कैदुहुम शैया, तो ना नुकसान पहुँचाएँगी तुमको उनकी चालें ज़रा भी। इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, बेशक अल्लाह उन कामों को जो ये कर रहे हैं पूरी तरह अहाता किए हुए है, वो नोट कर रहा है, और वो दिन आने वाला है कि जब इनको पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। वाइज़ गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल्क़िताल वल्लाहु समीउन अलीम, और जब आप सुबह सवेरे निकले थे अपने घर से मामूर करने के लिए मोमिनों को जंगी मोर्चों पर, लड़ाई की जगहों पर उनको मुकर्रर कर रहे थे, बैठा रहे थे, वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सब कुछ सुन रहा था, हर बात से बाखबर था। ग़ज़वा उहद का तज़किरा है। इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलीयुहुमा, जब इरादा कर लिया था दो ग्रोहों ने तुम में से बुज़दली दिखाने का, हालांकि अल्लाह इनका हामी व मददगार था। वअलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें अहले ईमान। मुसलमानों की तादाद ग़ज़वा उहद में 1000 शुरू में थी, और फिर अब्दुल्ला बिन उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था तकरीबन 300 लोगों को लेके वापस मदीना में चला गया, तो 700 मुसलमान बाकी रह गए, और मुकाबले में 3000 जो है ये काफिर थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तसल्ली दी, फरमाया वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्लह, और तहकीक मदद कर चुका है तुम्हारी अल्लाह ग़ज़वाए बदर में, हालांकि तुम उस वक़्त बहुत कमज़ोर थे, 313 थे, वसाइल भी नहीं थे, अल्लाह ने मदद की। फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून, सो डरो अल्लाह से ताकि तुम शुक्र अदा करो उसके इस एहसान का। तो तकवा और शुक्र। इज़ तक़ूलु लिल्मुमिनीना अलन यक्फियकुम मन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़लीन, जब आप कह रहे थे मोमिनों से क्या नहीं है काफ़ी तुम्हारे लिए कि मदद करे तुम्हारा रब 3000 फरिश्तों से जो उतारे जाएँ, यानी आसमान से, मुकाबले में 3000 काफिर हैं, अल्लाह 3000 फरिश्ते नाजिल कर दे। भला क्यों नहीं, इन तस्बिरु व तत्तकु व यातूकुम मिन फौरिहिम हाजा, अगर तुम साबित कदम रहो और तकवा इख्तियार करो और आ जाए तुम्हारा दुश्मन तुम पर अचानक, युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफ मिनल मलाइकति मुसव्विबीन, तो मदद करेगा तुम्हारा रब 5000 फरिश्तों से जो ख़ास निशान लगाए हुए होंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर फरिश्ते उतारे, और फिर जो है ये अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि फ़ज़ाए बदर का पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी, जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करे, एतमाद करे, तो फिर फरिश्ते तो नाजिल होते हैं। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुश्रा लकुम वलितत्मईन्न कुलूबुकुम बिह, और नहीं बनाया इसको अल्लाह ने मगर खुशखबरी तुम्हारे लिए और ताकि मुतमईन हो जाएं दिल तुम्हारे इससे। वमन नस्र इल्ला मिन इंदिल्लाह, और नहीं मदद आती
मगर अल्लाह की तरफ से अलअज़ीज़ अलहकीम, जो सब पर ग़ालिब है, बड़ी हिकमत वाला है। और फिर अल्लाह ने मदद की, लियक्ता तरफ़ मिन अल्लज़ीन कफ़रू, ताकि काट दे अल्लाह एक हिस्सा उन लोगों का जिन्होंने कुफर किया, और यक़बता हूँ या जलील कर दे उन्हें, फ़यन कलबू ख़ाइबी, बस लौट जाएँ वो नाकाम नामुराद होकर। लेकिन फिर क्या हुआ, मुसलमानों से कुछ लग़ज़श हो गई और एक हुक्म को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, तो फिर फतह शिकस्त में बदल गई और बहुत सारे सहाबा, 70 सहाबा रसूलुल्लाह सल्लम के वो ग़ज़वा अहद में शहीद हो गए, जिनमें आपके चचा हज़रत हमज़ा भी थे। आप ख़ुद ज़ख्मी हो गए और आपकी ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकले कि वो कौम कैसे कामयाब होगी जिन्होंने अपने नबी को ज़ख्मी कर दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लैसा लक मिनल अम्र शैउन, नहीं है आपके लिए इस मामले में इख्तियार ज़रा भी, सारा इख्तियार अल्लाह के पास है। और यतूब अलैहिम, चाहे तो वो तौबा कबूल कर ले इनकी, और युअज़्ज़िबहुम, और चाहे तो अज़ाब दे इन्हें, फ़इन्नहुम ज़ालिमून, क्योंकि बिलाशुबा वो ज़ालिम हैं। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है। यग़फिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, वो माफ़ कर दे जिसे चाहे और अज़ाब दे जिसे चाहे। वल्लाहु ग़फूरुर रहीम, और अल्लाह तो है ही बड़ा माफ़ करने वाला, बहुत रहम करने वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ना खाओ सूद दुगना जुगना, बढ़ता चढ़ता बढ़ा चढ़ा के सूद ना खाओ। सूद जो है ये बिल्कुल हराम है, मुतलकन सूद हराम है, वो सूद मुरक्कब हो, सूद मुफरद हो, इससे बचो। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वत्तकुन्नारल्लती उइद्दत लिलकाफिरीन, और बचो उस आग से जो तैयार की गई है काफरों के लिए। वातीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून, और अतात करो अल्लाह की और रसूल की, ताकि तुम पर रहम किया जाए। वसारिउ इला मग़फिरति मिन रब्बिकुम व जन्नह, और जल्दी करो बख्शिश की तरफ अपने रब की और जन्नत की तरफ। एक दूसरे से आगे बढ़ो, दौड़ो, लपको मग़फ़रत की तरफ। यानी ये काम है जिनमें जल्दी होनी चाहिए कि अल्लाह को राज़ी कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें, इस काम में जल्दी करो। और दूसरा व जन्नत, जन्नत की तरफ जल्दी करो। अर्ज़ु हस्समावात वल अर्ज़, जिसकी वसत आसमानों और ज़मीन जैसी है, बहुत बड़ी है। व इद्दत लिल मुत्तकीन, जो तैयार की गई है मुत्तकी लोगों के लिए। ये मुत्तकी जो लोग हैं, इनकी बड़ी बड़ी सिफात क्या हैं, अल्लज़ीन युन्फिकूना फिस्सर्रा वज़्ज़र्रा, जो ख़र्च करते हैं खुशहाली में और तंगी में। जब बहुत सारे वसाइल हों उस वक्त भी ख़र्च करते हैं, जब थोड़े वसाइल हों हालात तंग हैं उस वक्त भी ख़र्च करते हैं, अपनी तौफीक के मुताबिक। कभी ज़्यादा ख़र्च करते हैं और कभी थोड़ा ख़र्च करते हैं। वलकाज़िमीन अल्ग़ैज़, और नंबर दो, और पी जाने वाले हैं गुस्से को, गुस्से पे काबू रखते हैं, कंट्रोल करते हैं। वलाफ़ीन आनिन नास, और माफ़ कर देने वाले हैं लोगों को, लोगों को माफ़ करते हैं। ये तीन उनकी बड़ी बड़ी सिफात हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह महबूब रखता है हुस्न अमल करने वालों को, बहुत अच्छे काम करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। और इंसान उनके नाते अगर कभी कोई गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, तो फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। वल्लज़ीन इज़ा फ़अलू फ़ाहिशा, और वो लोग अगर कर बैठें कोई खुला गुनाह, औ ज़लमू अन्फुसहुम, या कर गुज़रें ज़ुल्म अपनी जानों पर। जब कोई इंसान गलती करता है, गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, तो अपने ऊपर ज़ुल्म करता है। अल्लाह का कोई नुकसान नहीं, अल्लाह के पैगम्बर का कोई नुकसान नहीं। ज़िक्रुल्लाह, तो फ़ौरन याद आ जाता है उनको अल्लाह, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की सज़ा। फ़स्तग़फ़िरू लिज़ुनूबिहिम, बस माफ़ी मांगते हैं वो अपने गुनाहों की।
وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون ہے جو معاف کرے گناہوں کو سوائے اللہ کے؟ اللہ ہی تو معاف کرتا ہے, اس کے علاوہ کون ہے معاف کرنے والا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, اور نہیں وہ اصرار کرتے اپنے کیے پر, اڑتے نہیں ہیں, بلکہ فوراً جب ان کو یاد آتا ہے رجوع کرتے ہیں, معافی مانگ لیتے ہیں, صلاۃ و توبہ پڑھتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے اپنے کیے پر وہ اڑتے نہیں ہیں. تو ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر روز 100 مرتبہ استغفار کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں آپ ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. تو ایک مسلمان مرد کو, عورت کو اپنا یہ معمول بنانا چاہیے کہ وہ جو ہے یہ ہر روز استغفار کرے, کم از کم ایک تسبیح تو روزانہ جو ہے استغفار کی ہو, صبح ہو شام ہو. اس کے بہت سارے فوائد ہیں, بڑی اس کی برکتیں ہیں, گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین جو ہے یہ برکتیں عطا کرتا ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم, یہ لوگ صلہ ہے ان کا بخشش ان کے رب کی طرف سے. وجنات تجری من تحت الانہار, اور جنتیں ایسی کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. خالدین فیہا, ہمیشہ رہیں گے وہ ان جنتوں میں. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, اور کیا ہی خوب ہے اجر نیک عمل کرنے والوں کا, کتنا ہے اچھا اجر ہے کہ جنت اور اس میں بہتی ہوئی نہریں اور پھر ہمیشگی, اور جنت ایسی اس میں نعمتیں ایسی, اکرام ایسا, احترام ایسا کہ جس کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, بے شک گزر چکے ہیں تم سے پہلے کئی دور. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ, سو چلو پھر اس زمین میں. فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ, پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ, یہ قرآن واضح تنبیہ ہے لوگوں کے لیے. وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ, اور ہدایت اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ, اور نہ دل شکستہ ہو اور نہ غم کرو, تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. اِن يَمْسَسْكُمْ كَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ كَرْحٌ مِثْلُهُ, اگر لگا ہے تم کو زخم یہ خود میں, تمہارے 70 افراد جو ہے یہ شہید ہو گئے ہیں, تو بے شک لگ چکا ہے ان لوگوں کو بھی زخم ایسا ہی بدر میں. ان کے تو 70 واصلے جہنم ہوئے, 70 گرفتار ہوئے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور یہ دن باری باری گردش دیتے ہیں ہم ان کو لوگوں کے درمیان, کبھی ایک کی جیت کبھی دوسرے کی جیت, کبھی ایک کا اقتدار کبھی دوسرے کا اقتدار. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ ظاہر کرے اللہ ان لوگوں کو جو سچے مومن ہیں. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور بنائے تمہیں سے بعض کو شہید, شہادت کا مرتبہ ان کو دے, اس لیے کہ شہادت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور اللہ نہیں پسند کرتا ظالموں کو. وَلِيُمَخِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور تاکہ چھانٹ لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں, اور زور توڑ دے کافروں کا. اور امتحان تو ہوگا, آزمائشیں تو آئیں گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ, کیا سمجھتے ہو تم کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں یوں ہی بغیر امتحان کے ہی, بغیر ٹیسٹ لیے, بغیر آزمائشوں کے. ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, حالانکہ ابھی تک نہیں دیکھا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں ثابت قدم رہنے والوں کو. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ, اور بے شک تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی پہلے اس سے کہ تم دوچار ہو اس سے. فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, لو اب وہ تمہارے سامنے ہے اور تم نے اسے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. تو آپ پسپائی اختیار نہ کرو بلکہ آگے بڑھو اور دشمنوں سے مردانہ وار لڑو. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ, اور نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف ایک رسول, وہ خدا نہیں ہیں.
बल्कि वो अल्लाह के पैगंबर हैं, रसूल हैं। ग़ज़वा उहद में एक मौका पर यह अफवाह फैल गई कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शहीद हो गए हैं, तो बाद सहाबा ने पसपाई इख्तियार की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े किया कि आप एक रसूल हैं और जो है आपसे पहले बहुत सारे रसूल चले गए, तो आप भी हमेशा नहीं रहेंगे। कद खलत मिन कबल ही रसूल, बेशक हो गुज़रे हैं आपसे पहले बहुत से रसूल। अफ़ई माता ओ कुतिलन का लब तुम अला औकाबिकुम, तो फिर क्या अगर वो वफात पा जाएँ या कत्ल कर दिए जाएँ तो तुम फिर जाओगे उल्टे पाँव? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वमई यन कलिब अला आकिबई है, और जो फिरेगा उल्टे पाँव, फलाई यज़ुरुल्लाह शैया, तो हरगिज़ नहीं नुकसान पहुँचाएगा वो अल्लाह को ज़रा भी। बस यजज़िल्लाहु शाकिरीन, और ज़रूर जजा देगा अल्लाह अपने शुक्रगुजार बंदों को। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, आपकी वफ़ात हुई, तो उस मौका पर सहाबा बड़े ही परेशान थे, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला नो तो बहुत ज़्यादा जो है ये परेशान थे और बड़े जो है ये जोश और गज़ब में थे कि जिसने कहा कि अल्लाह के रसूल फौत हो गए हैं तो मैं उसकी गर्दन जो है ये काट दूँगा। उस मौका पर जनाब उमर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला नो वो तशरीफ़ लाए, बस्ते नबी में आपने खुतबा दिया और आपने यही आयत का हवाला दिया कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिही रुसुल, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो खुदा नहीं हैं। और आपने फरमाया कि मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन कद मात, कि जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो आप तो फौत हो गए हैं। वमन कान याबुदुल्लाह फ़इन्न अल्लाह हय्युल्ला यमूतु अबदन अबदा, कि जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह तो हमेशा ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगा। ला ताखुज़ु सिनतुन वला नौम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वो तो ज़िंदा जावेद है। फरमाया वमा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मुअज्जला, नहीं है इख्तियार किसी जान को कि वो मरे बग़ैर अल्लाह के हुक्म से, लिखा हुआ है मौत का वक्त मुअय्यन। हर बंदे का अल्लाह ने मौत का वक्त मुअय्यन कर दिए, ना वो उससे पहले मर सकता है और ना उसे वो जो है ये ताखीर कर सकता है। वमन युरिद सवाबद दुनिया नौतही मिनहा, और जो कोई चाहे सवाब दुनिया में यानी अपने अमाल का बदला दुनिया में, देते हम उसको दुनिया में ही। वमन युरिद सवाब अल आखिरा, और जो चाहे बदला आखरत का, नौतही मिनहा, देते हम उसको आखरत में। वसा नजज़िश शाकिरीन, और ज़रूर सिला देगी हम अपने शुक्रगुजार बंदों को। वो बंदे के जो गर्मी के मौसम में रोज़े रखते रहे, जो पांच नमाजें पढ़ते रहे, जो रात को अल्लाह के हुज़ूर खड़े रहे, जो हलाल खाते रहे, हराम से बचते रहे, जो अल्लाह का शुक्र करते रहे, तो अल्लाह उनको ज़रूर बदला देगा। वकाई मिन नबी इनका तलम आहुरिब्बियून कसीर, और कितने नबी गुजर चुके हैं कि जंग की उनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने, अल्लाह के दीन के गलबे के लिए अम्बिया की क़्यादत में उन्होंने मुखालफों के साथ, कुफार के साथ जिहाद किया। तमा वाहनु, सो वो पस्त हिम्मत नहीं हुए, लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, उन मसाइब की वजह से जो पहुँची उन्हें अल्लाह की राह में। वमा ज़ाउफू, और ना उन्होंने कमज़ोरी दिखाई दुश्मन के आगे। वमस्तकानू, और ना वो बेदस्तों पाओ कर बैठ गए। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, और अल्लाह महबूब रखता है साबित कदम रहने वालों को, सब्र करने वालों को। वमा काना कौलहुम, और नहीं था उनका कौल ऐसे मौके पर, इल्ला अन कालू, मगर उन्होंने ये दुआ मांगी, बड़ी ही ज़बरदस्त दुआ है। रब्बाना फिर लना जुनूबना, ए हमारे रब मुआफ़ फरमा दे हमारे गुनाह। व इसराफ़ना फ़ी अमरना, और हमारी बेअतदालियाँ जो हमसे सरजद हुई हमारे मामलात में, अल्लाह वो भी माफ़ कर दे। व सब्बित अक़दामना, और साबित कदम रख हमें। वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और फ़तह अता फ़रमा हमें काफ़रों के मुकाबले में।
فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ سو عطا فرمایا ان کو اللہ نے ثواب دنیا کا بھی اور بہترین ثواب آخرت کا بھی. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ محبوب رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں کو, ان سے اللہ محبت کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم کہا مانو گے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے تو پھر لے جائیں گے وہ تم کو الٹے پاؤں اور تم ہو جاؤ گے پھر خسارہ اٹھانے والے. تو کفار کی, یہود و نصارہ کی اتباع نہیں کرنی ہے, ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے, ان کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا ہے. وَلِلَّهُ مَوْلَاكُمْ بلکہ اللہ ہی ہے جو دوست ہے تمہارا. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے. سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ان قریب ہم ڈالیں گے دلوں میں ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا تمہارا رعب اس وجہ سے کہ شریک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ. مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ان کو کہ نہیں اتاری اللہ نے اس بارے میں کوئی سند. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ اور بہت برا ٹھکانہ ہے ان ظالموں کا. تو کافروں کے دلوں میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کی ہیبت اور رعب ڈال دیں گے. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ اور یقیناً سچ کر دکھایا تم کو اللہ نے تو اپنا وعدہ. غزوہ احد میں اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ابتدان فتح عطا کی. إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اللہ کے حکم سے کفار کو. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ یہاں تک کہ جب تم ڈھیلے پڑ گئے. وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ اور تم نے اختلاف کیا حکم کے بارے میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں تم نے آپس میں اختلاف کیا. وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ اور حکم عدولی کی تم نے بعد اس کے کہ دکھا دی تمہیں اللہ نے وہ چیز جو تمہیں محبوب تھی. تمہیں اللہ نے فتح عطا کر دی, تم غالب آ گئے اور کفار بھاگ گئے. مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے دنیا کے اور تم میں سے کچھ وہ تھے جو طلبگار تھے آخرت کے. ثم صرفکم عنہم پھر پھیر دیا تمہیں اللہ نے دشمنوں کے سامنے سے. لیبتلیکم تاکہ آزمائش کرے تمہاری. ولقد عفا عنکم اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی معاف کر دیا تمہیں, تم سے لغزش ہو گئی, غلطی ہو گئی, لیکن اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. اب صحابہ پہ تان نہیں کرنا ہے, ان کو برا بھلا نہیں کہنا ہے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین اور اللہ بہت فضل والا ہے مومنوں پر. کیا صورتحال تھی, اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے. اذ تسعدون جب تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے. ولا تلبون علی احد اور پلٹ کر نہ دیکھتے تھے کسی کی طرف. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکار رہے تھے تم کو تمہارے پیچھے سے, میری طرف آؤ میری طرف آؤ. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ سو بدلہ دیا اللہ نے تم کو غم پر غم کی صورت میں, تاکہ نہ تم پریشان ہو اس چیز پر جو چھن گئی ہے تم سے اور نہ اس مصیبت کا جو پہنچی ہے تمہیں, جو شہادتیں ہوئی ہیں اور فتح شکست میں بدل گئی ہے, اس پر تم ملال نہ کرو. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ باخبر ہے ہر اس بات سے جو تم کرتے ہو. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم پھر نازل فرمائی اللہ نے تم پر اس غم کے بعد اطمینان کی کیفیت. وہ کیا تھی, اونگ تھی جو طاری ہو گئی ایک گروہ پر تم میں سے, جنگ کی حالت میں اونگ طاری ہو گئی. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ اور ایک گروہ تھا کہ بس فکر تھی ان کو محض اپنی ہی جانوں کی. يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ
गुमान रखते थे अल्लाह के बारे में झूठे, दौरे जाहिलियत के से गुमान कि अल्लाह पता नहीं मदद करेगा हमारी कि नहीं करेगा, हमारी तो मदद नहीं की गई है। यकूलून हल्लना मिन अल-अम्र मिन शै, कहते थे क्या हमारा भी है इस मामला में कुछ अमल दखल। कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, कह दो ऐ पैगंबर बेशक इख्तियार सारे का सारा अल्लाह का है। युखफून फ़ी अन्फुसहिम मा ला युबदून लक, वो छुपा रहे थे अपने दिलों में ऐसी बातें जो नहीं जाहिर करते थे आपके लिए। यकूलून लौकान लना मिन अल-अम्र शैउं मा कुतिलना हाहुना, कहते थे अगर होता हमारा भी इख्तियारात में कुछ हिस्सा तो ना हम मारे जाते इस जगह, हमारी बात मान ली जाती तो हम ना मारे जाते। कुल लो कुंतुम फी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इला मज़ाजिहिम, कह दो अगर होते तुम अपने घरों में भी तो ज़रूर निकल आते वो लोग कि लिख दिया गया था जिनकी किस्मत में कत्ल होना अपनी कत्ल गाहों की तरफ, वो ज़रूर अपने घरों से निकल आते और वहाँ पर पहुँच जाते। वलियब्तलियल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, और ये इसलिए था कि परखे अल्लाह उसको जो तुम्हारे सीनों में है। वलियुमख्खिस मा फी कुलूबिकुम, और ताकि साफ़ कर दे वो खोड़ जो तुम्हारे दिलों में है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और अल्लाह खूब जानता है दिलों की बातों को। इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तकल जमान, बेशक वो लोग जो पीठ फेर गए तुम में से जिस दिन बाहम टकराईं दो फौजें दो जमातें। इन्नमस्तज़ल्लहुम शैतानु बिबाज़िमा कसबू, इसका सबब सिर्फ़ ये था कि कदम डगमगा दिए थे उनके शैतान ने बवजह बाज़ उन कामों के जो कर बैठे थे, बाज़ लफ्ज़ों की वजह से कमज़ोरी की वजह से शैतान ने उनके कदम फिसला दिए। वाला कदाफल्लाहु अन्हुम, और तहकीक माफ़ कर दी अल्लाह ने उन्हें। इन्नल्लाहु गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह बहुत माफ़ करने वाला है बुरदबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, ए लोगो जो ईमान लाए हो ना हो जाना उनकी तरह जो काफ़र हैं। वक़ालू लिख्वानिहिम, और कहते हैं अपने भाइयों के बारे में। इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़, जब वो सफ़र करते हैं किसी सरज़मीन में। औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना मा मातू व मा कुतिलू, या निकलते हैं जंग के लिए अगर वो होते हमारे पास तो ना मरते और ना कत्ल किए जाते। लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी कुलूबिहिम, ऐसी बात करने का नतीजा ये है कि बना दिया अल्लाह ने इसको हसरत का सबब उनके दिलों में। तो ये बातें नहीं कहना चाहिए कि अगर ऐसे हो जाता मगर ऐसे हो जाता, ये शैतानी कलमे हैं। वल्लाहु युही व युमीत, हालांकि अल्लाह ही ज़िंदा रखता है और मौत देता है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह तुम्हारे आमाल को देख रहा है। वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह, और अगर तुम कत्ल किए जाओ अल्लाह की राह में। औ मुत्तुम, या मर जाओ। लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमा, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरु मिम्मा यजमाऊन, तो जो बख्शिश अल्लाह की तरफ से होगी और रहमत वो कहीं बेहतर है हर उस चीज़ से जो लोग जमा करते हैं। वला इमुत्तुम व कुतिलतुम ला इलल्लाहि तुहशरून, और ख़्वाह मरो तुम या कत्ल किए जाओ बाहर अल्लाह के हुजूर पेश किए जाओगे तुम। अल्लाह के रास्ते में मौत है, अल्लाह के रास्ते में शहादत है, ये तो बड़े ऊंचे आमाल हैं। फ़बिमा रहमत मिनल्लाहि लिन्त लहुम, सो ये कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह की कि आप ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज हैं इनके लिए, आप बड़े नरम इन सहाबा के लिए लोगों के लिए। वलो कुंत फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्ब लन फज़्ज़ू मिन हौलिक, और अगर होते आप सख्त मिजाज और संग दिल तो ज़रूर मुंतशिर हो जाते ये लोग आपके आसपास से। फ़ाफ़ु अन्हुम, बस आप माफ़ कर दें इनको। वस्तग़फिर लहुम, और दुआए मग़फ़रत करें इनके लिए। वशाविरहुम फ़िल अम्र, और मशवरा लेते रहें इनसे दीन के काम में। फ़ाइज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह, फिर जब पुख्ता फ़ैसला कर लो तुम तो भरोसा करो अल्लाह पर।
اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توکل کرنے والوں کو جو اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایک داعی کو چاہیے کہ اپنے مخاطبین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اور اس کے اندر سختی نہ ہو، سنگ دلی نہ ہو، اور مشورہ ہو۔ اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر مدد کرے تمہاری اللہ تو نہیں ہے کوئی غالب آنے والا تم پر۔ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ اگر مدد کرے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر چھوڑ دے وہ تم کو تو کون ہے وہ جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور محض اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو، اللہ پہ بھروسہ کریں نہ کہ غیروں پر۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نہیں ہے کسی نبی کی یہ شان کہ وہ خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی خیانت کرے گا لائے گا اپنی خیانت کو قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر پورا پورا ملے گا ہر نفس کو بدلہ اس کا جو اس نے کمایا تھا، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، بھلا کیا وہ شخص جو چر رہا ہو اللہ کی رضا پر۔ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کی رضا کو چاہتا ہے، اللہ کی رضا کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا کمن باب سخط من اللہ، اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو گر گیا ہو اللہ کے غضب میں۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور ٹھکانہ ہو اس کا جہنم۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ یکساں نہیں ہیں۔ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ، یہ دو قسم کے لوگ درجے کے لحاظ سے مختلف ہیں اللہ کے نزدیک۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھ رہا ہے ہر اس عمل کو جو وہ کرتے ہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے اپنے بہت بڑے احسان کا تذکرہ کیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا احسان اس کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا یقیناً بڑا احسان کیا اللہ نے مومنوں پر۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ بھیجا ان میں ایک عظیم الشان رسول انہی میں سے، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہم، جو پڑھ کر سناتے ہیں انہیں اللہ کی آیات۔ ویزکیہم، اور تزکیہ نفس کرتے ہیں ان کا۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دیتے ہیں ان کو کتاب اللہ کی، اور سکھاتے ہیں ان کو حکمت، دانائی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور جو ہے یہ شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، جو ہے حرام کھا رہے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بہت بڑا احسان کیا اور اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ سن کو امتی بنایا ہے۔ اولما اصابتکم مصیبہ، کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب پہنچی تم کو کوئی مصیبت؟ یہ غزوہ احد میں 70 شہادتیں ہو گئیں۔ قد اصبتم مثلیہا، جب کہ پہنچا چکے تھے تم اس سے دگنی مصیبت دشمنوں کو بدر میں۔ 70 کافر بڑے بڑے مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہو گئے تھے، اب تمہیں یہ مصیبت پہنچی ہے تو تم جو ہے یہ گلے شکوے کر رہے ہو۔ قل تمنا ھذا، تو تم نے کہاں کہاں سے آ گئی یہ؟ قل ھو من عند انفسکم، کہہ دو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، تم نے غلطی کی ہے، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر پوری طرح قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو نقصان پہنچا تم کو اس دن جب ٹکرائی دو فوجیں، فبإذن اللہ، سو وہ پہنچا اللہ کے اذن سے۔ وليعلم المؤمنین، اور اس لیے بھی کہ دیکھ لے اللہ ان کو جو مومن ہیں۔ وليعلم الذين نافقوا،
और इसलिए कि देख ले उन लोगों को जो मुनाफिक हैं, वो भी देख ले, और अल्लाह अल्लाह के जो बंदे हैं, अहले ईमान हैं, लोग हैं, उनको भी पता चल जाए कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन खरा है, कौन खोटा है। वकील लहुम तआलौ कातिलू फी सबीलिल्लाह या विदफऊ, और कहा गया था उनसे कि आओ जंग करो अल्लाह की राह में, या कम अज़ कम दिफा करो। कालू लो नअलमु कितालल्लतवानाकुम, उन्होंने कहा ये मुनाफिकीन ने, अगर हम जानते हैं कि लड़ाई होगी तो ज़रूर साथ चलते हम तुम्हारे। हुम लिल कुफ्र यौम अज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, ये लोग कुफर से उस दिन ज़्यादा करीब थे बनिस्बत ईमान के, वो कुफर के ज़्यादा करीब थे, ईमान से दूर हो गए थे। यकुलूना बि अफवाहिम मा लैसा फी क़ुलूबिहिम, कहते हैं अपने मुँह से ऐसी बातें जो नहीं हैं उनके दिलों में। वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून, और अल्लाह खूब जानता है उसको जो वो छुपाते हैं। अल्लज़ीना कालू लिख्वानिहिम वकादू लौ अताऊना मा कुतिलू, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा अपने भाइयों के बारे में जबकि खुद बैठे रहे घरों में, अगर मानते बात हमारी तो ना मारे जाते, हम वापस आ गए हैं ये भी हमारी बात मान लेते तो ना मारे जाते। कुल फद्रउ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तुम कहो ऐ पैगंबर अच्छा टाल कर दिखाओ तुम अपनी जानों से मौत अगर हो तुम सच्चे, जब मौत का फरिश्ता आए तो फिर तुम बच के दिखाना। वला तखसबन्नल्लज़ीन कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, और हरगिज़ न समझना उन लोगों को जो कत्ल हुए हैं अल्लाह की राह में कि वो मुर्दा हैं। बल अख्या उन इंद रब्बिहिम युर्ज़कून, बल्कि वो तो ज़िंदा हैं अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। फ़रहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह, शादा व फ़रहा हैं, खुश हैं उस पर जो अता फ़रमाया उनको अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यलहक़ू बिहिम मिन खल्फिहिम, और मुतमईन ने उन लोगों के बारे में जो अभी नहीं पहुँचे उनके पास उनके पिछलों में से, दीन इस्लाम पर कायम हैं उनके बारे में भी मुतमईन ने, खुश हैं। अल्लाह खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इस बिना पर के ना कोई खौफ है उनके लिए और ना वो गमगीन होते हैं। यस्तबशिरून बिनेअमत मिन अल्लाह, ये शुहदा मुतमईन ने अल्लाह के इनाम पर, व फ़ज़ल और उसके फ़ज़ल पर। وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, और इस पर कि अल्लाह नहीं ज़ाया करता अजर मोमिनों का, इस बिना पर शुहदा बड़े खुश वुर्रम हैं। अल्लाह सुबहानहु तआला हमारे इस पढ़ने को सुनने को अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए, और जो कोई कमी कोताही होगी अल्लाह अपने फ़ज़ल से करम से रहमत से माफ़ फरमाए। वाहिर दावना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम वअला आलिही वअस्हाबिही अजमाईन। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहुल मुल्क वलहुल हम्दु वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहु अकबर कबीरा वलहम्दुलिल्लाहि कसीरा वसुबहानल्लाहि बुकरतन वासीला। सुबहानल्लाहि वबिहम्दिही अदद खल्क़िही वरिज़ा नफ़सिही वज़िनत अर्शिही वमिदाद कलिमातिही। اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وسلم عليه। اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا। ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا। ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين। اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت। اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا। يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض। يا الله हम सब को कुरान मजीद की बरकतों से माला माल फरमा। या अल्लाह इस कुरान मजीद को दुनिया में कब्र में हशर में हमारा साथी बना, हमारे हक़ में सिफारिश करने वाला बना।
या अल्लाह हमारे रोज़े को हमारे हक़ में सिफारिश करने वाला बना। या अल्लाह दुनिया आखिरत की भलाई अता फरमा। या अल्लाह कब्र के अज़ाब से महफूज फरमा, जहन्नम के अज़ाब से महफूज फरमा, ज़िंदगी मौत के फितने से महफूज फरमा। या अल्लाह हर किस्म के गुनाह से महफूज फरमा, मसीह दज्जाल के फितने से या अल्लाह महफूज फरमा। या अल्लाह जितने बीमार हैं या अल्लाह शिफाए कामिला आजला अता फरमा। अल्लाहुम्मा अज़िबिल बास रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा ला युगादिरु सक़मा। या अल्लाह जितने अहले ईमान इस दुनिया से रुसत हो गए या अल्लाह सब की मग़फ़रत फरमा। या अल्लाह सब को अपनी जन्नतों का मेहमान बना। या अल्लाह हम सब को ईमान इस्लाम की ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह जो भी औलाद है नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह औलाद से अज़वाज से आँखों की ठंडक अता फरमा। या अल्लाह जो मकरूज़ हैं कर्ज़ से निजात अता फरमा। या अल्लाह जितनी हमारी परेशानियाँ सारी परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जितनी जायज़ हाजतें नए ख्वाहिशें या अल्लाह पूरी फरमा। या अल्लाह सारी ज़िंदगी अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। हुज़ूर नबी करीम की शफात नसीब फरमा। या अल्लाह हर किस्म के हसद से नज़र बस से जादू से ज़मीनी आसमानी आफात से या अल्लाह हर किस्म के वायरस से महफूज फरमा। या अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा, हमारे वालदेन को माफ़ फरमा, सारे अहले ईमान को माफ़ फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ पे मुसलमान मज़लूम हैं ज़ुल्म से उनको निजात अता फरमा। या अल्लाह कुफार यहूद नसारा की साजिशों को नाकाम बना। या अल्लाह इस्लाम का बोलबाला फरमा। या अल्लाह हमारी सारी की सारी इबादत को या अल्लाह शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह हमारी सारी की सारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही हर खल्क़िही सैयदना मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।